देखिए, सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती, क्योंकि पार्लियामेंट चलाना सरकार का ओनस होता है और जे वो ये मांगे विपक्ष की मान जाए। सारा विपक्ष इकट्ठे खड़ा है कि दो मुद्दों की चर्चा की जाए, सबसे पहले किसानों की बात हो और दूसरा जो मुद्दा वो उठा रहे हैं। 9 दिनों से रोज मैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही हूँ। जे किसान जे सरकार चर्चा चाहती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट करके समय दे, समय देने से उन्हें कौन रोक रहा है। हकीकत ये है, ये अन्नदाता विरोधी सरकार है। किसान मर रहे हैं, ये कहता कोई किसान मर नहीं रहा है। चाहे कोविड की चर्चा हो, वो कहता कोई ऑक्सीजन के कमी से नहीं चल रहा है। ये लोगों से टूट चुकी है और ये पार्लियामेंट की ऐसा मजाक बना के इस सरकार ने छोड़ दिया है कि ये अकेले अन्नदाता का अपमान नहीं कर रही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान कर रही है। क्योंकि संविधान को अकेले नतमस्तक होके पार्लियामेंट में मथा टेक के नहीं होता, संवैधानिक प्रक्रिया को जिंदा रखना सरकार का दायित्व है। और विपक्ष को बोलने ना दिया जाए, क्योंकि आप जासूसी से भाग रहे हैं, आपको कुछ छपाने के लिए हैं। आप ये काले कानून को लागू करके कुछ पूंजीपतियों का फायदा करना चाह रहे हैं, जिस करके आप ये डिस्कशन से भाग रहे हैं और रद्द नहीं कर रहे। ये संविधान का अपमान, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान है, इस पार्लियामेंट का अपमान है, टैक्स पेयर के पैसों का अपमान है, और सबसे बड़ी बात जो देश भर का पेट भरता है उस अन्नदाता का बहुत बड़ा अपमान है। ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।